अस्सलाम वालेकुम, रमदान करीम। अमीरा बासमती राइस की पेशकश शामे इफ्तार। वेलकम टू द शो। मेरा नाम है शोभना और अब तक तो खैर हमारी और आपकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई है, क्योंकि रोज़ आपके घर में मेरी एंट्री जो होती है। वेल, आप सोच रहे होंगे कि आज के इस एपिसोड में नया क्या होगा। ऑफकोर्स, तीन नई रेसिपीज तो हम रोज़ लेकर आते हैं, लेकिन उसके अलावा नया क्या होगा। आज का ये ब्रांड न्यू एपिसोड, इसमें होंगे एक ब्रांड न्यू शेफ़, और उनसे मैं आपकी अब मुलाकात कराने जा रही हूँ। आज हमारे साथ हैं शेफ मुत्तु, द कॉर्पोरेट शेफ ऑफ लोटस हॉस्पिटैलिटी। वेलकम शेफ मुत्तु, हाउ आर यू? रमदान करीम टू यू, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सो शेफ, आज के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में वो पहला ब्रांड न्यू डिश कौन सा है जिससे हम शुरू कर रहे हैं? आज चीज गोल्ड फिंगर बनाएंगे। आज चीज गोल्ड फिंगर, ओके। तो मैं समझती हूँ शेफ, आपको मैं रीनेम करती हूँ एज शेफ मुत्तु बॉन्ड। तो अब शेफ मुत्तु बॉन्ड जो बनाएंगे, दैट इज द गोल्ड फिंगर, चीज गोल्ड फिंगर। तो उसके इंग्रेडिएंट्स पर एक नजर डालते हैं। चीज गोल्ड फिंगर बनाने के लिए आपको चाहिए अलमराई शेडर चीज 240 ग्राम, रिफाइंड फ्लावर 90 ग्राम, अंडे 2, ब्रेड क्रम्स 250 ग्राम, नैटको पेपर पाउडर 10 ग्राम, नैटको बेसल लीव्स 10 ग्राम, हार्ट लाइट कैनोला ऑयल 400 ml, अलमराई मेयोनीज 20 ग्राम। चीज गोल्ड फिंगर के इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिए, तो अब 007 यानी कि फटाफट 7 मिनट्स में बनेगा ये चीज गोल्ड फिंगर, सही है ना शेफ? ठीक sure, sure, sure. है, मैंने प्रॉमिस कर दिया आप बनाने वाले हैं शेफ। तो शेफ शुरू करें। ओके, सो हाउ वी गोना बिगिन? फर्स्ट वी विल टेक हार्ड चीज, cheddar cheese. Cheddar cheese. Okay. Yeah. We have to cut like this. It's a finger shape. Mm-hmm. Okay. So cheese gold finger जो नाम आया है वो इसलिए because this is yellow cheese. Correct. Wow. Okay. The same cheese can replaced by paneer also. Okay. It depends. लेकिन फिर वो gold finger नहीं रहेगा, फिर वो white finger. White finger. Chef, yellow यानी कि gold color की cheese and we've cut it into fingers. अब आगे क्या करेंगे? Next, we need to take the egg. Okay. Just beat the egg. Okay. Just put in the bowl. Okay. And then after that, we need to add a little bit salt. Very little, huh? Because already cheese, you have salt, okay? It's salted cheese, so. Okay. Then we need to have Yeah, but if you're using paneer, then I think you can add a little more salt, yeah. Because then the paneer doesn't have salt. Okay. Then this is for dusting, actually. Okay. To, you know, to chipkine ke liye, okay? Haan. So this is for dusting. हल्का सा उसे फ्लावर में कोट करके फिर कोटिंग। करेक्ट। सो वी नीड टू कीप लाइक दिस, देन स्लोली वी नीड टू पुट द पनीर। दिस इज व्हिच फ्लावर शेफ? दिस इज रिफाइंड फ्लावर। दिस इज रिफाइंड फ्लावर। जो आम घरेलू फ्लावर। या करेक्ट, दिस इज रिफाइंड फ्लावर। एंड देन वी हैव अराउंड 8 पीसेस। एंड दिस डस्टिंग इज फिनिश्ड। ओके। देन वी नीड टू क्रम्ब इट नाउ। This is the breadcrumb. It's available in the market. Right. Okay. थोड़ा सा breadcrumb डाल के। तो chef, what happens next to our gold fingers? Next, we need to do the breadcrumbs. Okay. With this finger, just coat with egg, and then put it in the breadcrumbs slowly. अपनी उंगलियों से एक-एक उंगली निकालिए, cheese की उंगली निकालिए, और उसे breadcrumbs में डालिए। Yeah, correct. Slowly, we need to put it. Okay. Then crumb it. Nicely. And roll it. Okay, ऐसे रखने का। Okay. Okay. Sides, all the sides should yeah, be covered. Should be covered. The crumbs. Okay. All the sides should be covered. Hmm. Bread crumbs के मामले में जरा भी कंजूसी मत कीजिएगा। This is cheese gold fingers. Yeah. हमारे इस रमदान स्पेशल कुकरी शो में आज ब्रांड न्यू एपिसोड में ब्रांड न्यू शेफ हमारे साथ, और उनके साथ मिलकर एक ब्रांड न्यू रेसिपी जो हम बना रहे हैं। And I think सबसे आसान रेसिपीज में से इस रेसिपी का नंबर आएगा अगर हम टॉप 10 की लिस्ट बनाएं तो। इतने सिंपल स्टेप्स में शेफ ने हमें दिखाया है कि कैसे फटाफट बन सकती है। Now the cheese finger is ready. लेकिन are they ready now, और कुछ और इसमें डालना बाकी है? No, we just need to sprinkle the white pepper powder. Ah. Okay. 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 Then nicely roll it. Roll it up. Right. And then we can even mix the white pepper with the breadcrumbs and yeah, coat we can it. Do it. Can yeah, do we can do it also. Okay. And later on, excellent. तो अब इसे फ्रीजर में रख सकते हैं और फिर उसके बाद। Yeah, yeah, okay. तो शेफ, जब हम फ्रीजर में रख कर इसे निकालते हैं तो इस तरह से सब ब्लेंड हो जाता है। Correct. Wow. अब हम इन चीज गोल्ड फिंगर्स को डीप फ्राई करने वाले हैं। Correct. Yeah.
आप चीज गोल्ड फिंगर्स जो है वो अब तेल में डाइव करने वाले हैं. नीड टू पुट वन बाय वन. अमीरा बासमती राइस की शाम में इफ्तार, जिसके इस पहले सेगमेंट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चीज भी गोल्डन, ऊपर से कोटिंग भी गोल्डन. अगर कोटिंग सही नहीं होएगा तो चीज भाग जाएगा. इट विल क्रैक अप. करेक्ट. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक फॉर दिस रेसिपी ये बहुत ही जरूरी है कि आप इसे फ्रीजर में जरूर रखें, क्योंकि तभी ये कोटिंग जो है ये अच्छे से बॉन्ड होगी. फॉर अ सॉस वी नीड टू मेक वन बेसिल मेयोनेज सॉस. तो आपके लिए बना रहे हैं शेफ फ्रेश बेसिल मेयोनेज सॉस, यानी कि ये हो गया 2-in-1 शेफ, मतलब आप डिश के साथ-साथ एक सॉस भी हमें दिखा रहे हैं डेमोंस्ट्रेशन लाइव. ओके, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? This is low fat mayonnaise. Okay. We need to put the herbs now. Can just put a little bit. And we need to put a fresh basil, you know. Fresh basil. Just chop it. Actually, ये जो basil होती है, chef, ये तुलसी की family से ही आती है ना? Correct. It's a family of tulsi. तो अगर आपको fresh basil नहीं मिल पा रहा है, तो आप तुलसी का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कर सकते हैं, sure. कर सकते हैं. हेल्दी भी, टेस्टी भी, अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर लाइव सॉस बन रहा है. लो फैट मेयोनीज विद बेसिल. लो फैट मेयोनीज विद बेसिल एंड हर्ब्स. एंड हर्ब्स. नाटको के मिक्स्ड हर्ब्स. एंड वी कैन हैव इट इवन विद चिली सॉस. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट चिली सॉस, किम्बॉल का चिली सॉस रेडी टू सर्व. सो शेफ, वी विल हैव सम चिली सॉस. या, श्योर. इसे अब मुझे जो है बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट की तरह संभालना पड़ेगा. शेफ ने इतने प्यार से ये स्ट्रक्चर बनाया है. शेफ, आप आर्किटेक्ट बनना चाहते थे? वेल, आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं या नहीं ये तो मैंने मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने आपको बॉन्ड जरूर बना दिया है. सो दिस इज अमेजिंग. शेफ मुथु बॉन्ड ने हमारे लिए बनाए हैं चीज गोल्ड फिंगर्स. सो लेट्स गो एंड हैव अ लिटिल रीकैप और देखते हैं कि ये चीज गोल्ड फिंगर्स कैसे बने. चीज गोल्ड फिंगर बनाने का तरीका है, पहले अलमराई शेडा चीज को उंगलियों के शेप में काट लें, फिर इन चीज फिंगर्स को रिफाइन फ्लावर से और पेपर पाउडर से डस्ट करें. अब इन फिंगर्स को कोट करें बीटन एग से और फिर ब्रेड क्रम्ब से, और इन्हें चिलर में रख दें करीब 15 मिनटों के लिए. एक पैन में तेल डालकर उसे धीमी आंच पर गर्म करें. चीज फिंगर्स को चिलर से निकालकर इन्हें गर्मा गर्म तेल में फ्राई करें गोल्डन ब्राउन होने तक. और अब इन गोल्डन ब्राउन चीज गोल्ड फिंगर्स को सर्व करें किम्बॉल सॉस के साथ. शेफ मुतु, कॉर्पोरेट शेफ लोटस हॉस्पिटैलिटी, जिनके साथ मिलकर हमने आज बनाए हैं चीज गोल्ड फिंगर्स. सो शेफ मुतु बॉन्ड, मुझे लगता है हमारा बॉन्ड भी बहुत अच्छा होने वाला है. चलो सर, ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, पता लगाते हैं इस धमाकेदार डिश के बाद शेफ के अगले मेनू में क्या है. कीमा राइस. कीमा राइस. ओके.